कामरान नकवी साहब से कि वहाँ और बारगाह इमामत में नजराने के लिए पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पे पहले तो तमाम मोमिनीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद ज़ारा मुबारक हो। मैं खास प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने ब्रादरान के हुक्म पे मैं चार अशआर पेश करूंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद शेर खुदा का पोता
रन में लड़ता है अब कैसे रन में असगर जाने हैदर जाने छेड़ दिया है जिक्र मौला शाम में अर मेराज नबी में एक ही लहजा गोया था शाम में अर मेराज नबी में एक ही लहजा गोया था किसने किसने रखा है किसका पर्दा दुख दर जाने हैदर जाने छेड़ दिया है जिक्र मौला मिंबर जाने हैदर जाने गर ये कुफर है इश्क गर ये कुफर है जिक्र अली का काफिर जाने हैदर जाने सलावत पढ़े मोहम्मद इजाफा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम मोमिनों को और मोमिनात को आज ईद ज़हरा की मुबारकबाद दिल की गहराइयों से। सिर्फ एक जुमले दो तीन जुमले जो है अर्ज़ करनी थी गुजारिश आज के सिलसिले में वो ये कि यकीनन अज़ख़ाने के बानी जो हैं हमारे दरमियान इस वक्त यहाँ नहीं है मौजूद वो जहाँ पर भी हैं परवरदिगार उनको और उनके खानवादे की को अपने जमान में रखे और उनकी तौफीकात खैर का इजाफा करें क्योंकि जब तक उनकी यहाँ पर ज़रूरत थी उन्होंने काम किया और आज यकीनन परवरदिगार को उनसे शायद कुछ और चीज़ें मतलूब हैं तो वो उस सिलसिले में ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़ गए हैं लेकिन उनकी यादें हमसे वाबस्ता हैं और वाबस्ता रहेंगी। कुरान की एक आयत सिर्फ जो कि हम बहुत बचपन से पढ़ते हुए आए हैं सुनते हुए आए हैं लेकिन यकीनन वो आयत ही इसी चीज़ की मज़दाक है कि हमने सिर्फ सुना ही है समझा नहीं उस आयत को। सूरह बकरा की आयत है सुम्मन बुक्मन उम्यन फहुम ला यरजिऊन गूंगे बहरे और अंधे मत बनो परवरदिगार की तरफ हमें पलट कर जाना है। हम इस दौरे हाजिर में अगर गूंगे बहरे और अंधे हो जाएंगे तो हमें ना तो दीन समझ में आएगा और ना ही दीन का कोई भी ऐसा अमल या सुन्नत इमाम या इमाम का कोई भी ऐसा अमल हमारी नज़रों के सामने तो होगा हक हक हम जानते भी होंगे लेकिन हम हक से किनारा कशी अख्तियार करेंगे अपनी नज़रें फेर लेंगे अपनी ज़बानों को फेर लेंगे और सिर्फ अपनी जिसे कहते हैं कि ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए नफसानी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए उस पर अमल पैरा होंगे और हक से किनारा कशी अख्तियार करेंगे। ये जुमला इसलिए मैंने अर्ज़ किया क्योंकि मैं मेरे उस्ताद भी हैं उस्ताद शहीद सिफ़त जाफ़र ज़ैदी साहब इस लिहाज से कोई कहेगा कि आपने उनसे सीखा तो नहीं लेकिन रूहानी उस्ताद हैं मेरे क्योंकि वो हमेशा अपनी मनफबत या मजलिस या सोसपानी करने से पहले कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर करते थे तो उनकी शहादत से जो मैंने सबक हासिल किया वो यही किया कि मैं खिताबत तो नहीं कर रहा लेकिन कम अज़ कम कोई अच्छी बात जो पसंद आए इंसान को वो ज़रूर बोले और हक की बात ज़रूर जो है वो मोमिनीन तक ज़रूर पहुँचाए क्योंकि ये वादा है कि इमाम की अदालत कायम होगी अगर हमारा यकीन है आखिरत पे इमाम की अदालत कायम होगी चाहे कोई कुछ भी कर ले और उस अदालत में मुझे आपको और सबको खड़ा होना है और जवाब दे हम इमाम की बारगाह में कि हमने क्या अमल अपनी नफ्स की पैरवी करते हुए किया और क्या अमल हमने इमाम की जो है खुशनुदी की खातिर या अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अंजाम दिया। तो परवरदिगार से गुजारिश है
परवरदिगार से ये दुआ है कि तमाम मोमिन मोमिनात खुसूसन आप तमाम हाजिरीन बैतुल और जो गैर हाजिर हैं उनकी सेहत व सलामती के लिए, तमाम शहदाए मिल्लत जाफिया की दर्जात बुलंदी के लिए, तमाम गुलाम व मराजा की सेहत व सलामती के लिए, अपने तमाम मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए और हाजिरीन महफिल की सेहत व सलामती के लिए और तमाम मोमिन मोमिनात दुनिया के जिस जिस हिस्से में उनकी सेहत व सलामती के लिए एक मरतबा बावाज़े बुलंद सलावात। देखा तो बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि अर्ज करूं कि जो माल गरीमत के तलबगार बहुत हैं, मैं गौर से चाहूंगा कि गौर से सुनिए कि जो माल गरीमत के तलबगार बहुत हैं, ये माल गरीमत सिर्फ पैसा ही नहीं है, यूरो या रुपया ही नहीं है, ये माल गरीमत हर लिहाज से है कि जो माल गरीमत के तलबगार बहुत हैं तारीख में इस तरह के किरदार बहुत हैं कि आज मिलादियां हो रहा है ये तारीख लिखी जाएगी, तारीख लिखी जाएगी अज़ा खाने की, तारीख में इस तरह के किरदार बहुत हैं, तुम खुद ही तो इस राह मकद्दत से हटे थे, तुम खुद ही तो इस राह मकद्दत से हटे थे, अब कहते हो वो रास्ते दुश्वार बहुत हैं, अब कहते हो वो रास्ते दुश्वार बहुत हैं, एक मरतबा बुलंद तर सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद। तंज़ो मज़ा की है इस लिहाज से भी पाकिस्तान में डिफरेंट सेशंस होते हैं, कह रहे हैं प्राइवेट सेशंस होते हैं इस महफिल के लिए, लेकिन क्योंकि अदब का जो है वो नहीं जाना चाहिए, अदब जो है वो बरकरार रहना चाहिए, तो उसी सिलसिले में चंद अशार जो हैं वो थोड़े से नॉन सीरियस कह लीजिए या दबे लफ्ज़ों में वो अशार आपकी खिदमत में तरह ही मुशायरा था, तो मेरे भाई जैसा ने वो पढ़े थे तो मैं हाजिर करता हूँ एक मरतबा बुलंद तर सलवात पढ़ दूँ। जो अपने वालिदा वालिद की पाकीज़ा अमानत हो, जो अपने वालिदा वालिद की पाकीज़ा अमानत हो, तो लाजिम है कि उसके दिल में हैदर की मोहब्बत हो, तो लाजिम है कि उसके दिल में हैदर की मोहब्बत हो, जो मोमिन जैसे मैयत हो, मुनाफिक जिंदा होकर भी लगेगा जैसे मैयत हो, नबी के रवा आँखों से जमजम हो,
नहीं मुमकिन मुनाफिक को कोई कर पाए, नहीं मुमकिन मुनाफिक को कोई कर पाए बेइज्जत, नहीं मुमकिन मुनाफिक को कोई कर पाए बेइज्जत, के बेइज्जत तो वो होता है जिसकी कोई इज्जत विलादत में तहारत हो करेगा बस वही जिसकी विलादत में तहारत हो, खुदाई बेच के रब ने खरीदा नफ्स हैदर को, जरूरी है कि जैसा वैसी कीमत हो, सलवात कर देगा एक मनकबत जो मेरे भाई ने आज से चंद साल पहले पढ़ी थी कि आजादारों का रुतबा जन्नत में कैसा है, और ये बहरुल अनवार से पूरा लिया गया वाक्या, तो उसमें से सिर्फ दो से तीन शेर जो है आपकी हदीया समाप्त करूंगा। एक मरतबा बुलंद सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद अकबाल मुकद्दर से ये दराक हुआ है, अकबाल मुकद्दर से ये दराक हुआ है जन्नत तो आजादारों के रहने की जगह है, जन्नत तो आजादारों के रहने की जगह है, जन्नत तो आजादारों के रहने की जगह है, सब पे जली शह के आजादार का रुतबा, औलाद पैगंबर के नमक खार का रुतबा। एक एक शेर बुलाए जाओ मौलाए दो आलम के परस्तार का रुतबा, शबीर शहनशाह के जबार का रुतबा, इन रुतबाए अशराफ से साबित हुआ है जन्नत तो आजादारों के रहने की जगह है। तो तमाम मिलके मेरे साथ पढ़े, जो नहीं पढ़ते वो भी पढ़े आज, जगह है तो आजादारों के रहने की जगह, रुतबा आजादार के रहमान से पूछो, अम्मार से मिकदार से सलमान से पूछो, जिब्रील से या खुल्द के दरबान रिजवान से पूछो, हुर जैसे किसी साहिब ईमान से पूछो, उन सब को पता है जन्नत तो आजादारों के रहने की जगह है, जन्नत तो आजादारों के रहने की जगह है। सब जानते हैं और वजाहत में करूं क्या, होती है जमीन जिसकी मकान होता है उसका, और साहिब जागी रहता है कब्जा, हकदार जो होता है वो ही करता है दावा।
जहां मुख्तार बनने की जरूरत है वहां पर हमको मुख्तार बनना है कि गुफ्तार में नीसम हो तो किरदार में मुख्तार के जिनसे रजामंद हो खुद हैदर करवार बस ऐसे आजादारों के बारे में लिखा जन्नत तो आजादारों के रहने की जगह है तो आजादारों की जगह यासिर यही फरमाती है खुद फातिमा जहरा जब रोज जजा पेश खुदा फैसला होगा जन्नत में नहीं जाऊंगी करती हूं ये वादा मलका हूँ ये हक मैंने दिया मोहम्मद।